उपमंडल गोहर के थाची गांव में एक कोरोना पॉजिटिव केस आने से स्थानीय प्रशासन तथा ग्राम पंचायत खारसी के थाची गांव को कंटेनमेंट जोन सहित ग्राम पंचायत खारसी के 5 और गोहर पंचायत के वार्ड 1 को बफर एरिया घोषित किया गया है। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए प्रशासन ने 6 वार्डों को सील कर दिया है। सभी गाड़ियों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा खारसी पंचायत के हलन और कुन गांव की संपर्क सड़क की आवाजाही को रोकने के लिए सड़कों के बीचों बीच 6 फुट गहरा चौड़ा गड्ढा भी बना दिया गया है। पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति रोष भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में कोरोना केस आने से स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका सभी लोग ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा समय में बहु बेटियां व गर्भावस्था में भी हैं। किसी भी वक्त उन्हें आपातकालीन स्थिति में चिकित्सालय ले जाना पड़ सकता है। पुलिस ने सारे क्षेत्र को सील कर दिया है। सभी इस बात से सहमत है मगर ग्रामीणों द्वारा अपने खर्च पर बनाई गई सड़क पर गड्ढा करना उचित नहीं था। कांटीले तार लगा देते, बैरिकेड लगा देते वो भी सही था, लेकिन पुलिस द्वारा सड़क को नुकसान पहुंचाना गलत है और इसका ग्रामवासी विरोध करते हैं। पंचायत में जो ठेकेदार गांव कून से स्थानीय निवासी हूं, मेरा नाम बालक राम है और हमारी पंचायत के थाची वार्ड में और जहां जो है रोड बहुत 20 साल पुरानी रोड है हमारी, हाथों से निकाली हुई रोड है जो कि जिम्मेदार गांव कून से ही लोगों ने काफ़ी खर्चा किया इस रोड पे। कल पुलिस वाले ने इस पे जो है 6 फुट गहरा गड्ढा और 9 फुट चौड़ा 10 इंच चौड़ा गड्ढा बना के रखा हुआ है। हमारी बेटी भी वो वहाँ घर में है जो डिलीवरी होने वाली भी है और हम कैसे लाया जाए उनको। हम तो ये प्रशासन को सूचना की, पुलिस को फोन किया कि हमारे जो है घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी है, कभी आवश्यकता पड़ सकती है तो हम कैसे आए, तो उनका कहना हुआ कि आप जो है इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए जो आपको ये गड्ढा खोदा गया है। हाड़ के लाया, जेसीबी से लाया, कैसे लाया हमको पता नहीं है और यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। अब देखिए हम क्या बोले, प्रशासन को क्या बोले, हम किसको क्या बोले, ऐसा हमारा ये गड्ढा बंद किया जाए और रोड जो हमारी चालू की जाए। अगर हाँ कोई किसी प्रकार के बंदे आते हैं, कोई और आते हैं, ये करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमको पूछा जाए, हम यहाँ निगरानी रखेंगे, तारे लगाएंगे यहाँ पे, या हमने कोई डंडा रख दिया यहाँ पे, कुछ और रख दिया यहाँ पे, इस तरह से बंद ना किया जाए ना। इस बारे में डीएसपी करण सिंह गुलेरिया ने बताया कि स्टाफ की कमी नहीं है, पुलिस हर वक्त जनता की सेवा में हर हाल में हाजिर है। रही बात सड़क में गड्ढों की तो ग्रामीणों से मिलकर गड्ढा बंद करवा दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा गड्ढे की मिट्टी से भर भी दिया गया है व कांटीले तारों से अब सड़क के ऊपर ही उसे सील बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग पूरी तरह पुलिस का सहयोग करें और पुलिस भी लोगों के साथ है।